वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। इंदौर के सेक्स रैकेट कांड में नया खुलासा हुआ है। बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए भारत लाई गई युवतियों ने चौंकाने वाले बयान दिए हैं। युवतियों ने पुलिस को बताया कि एजेंट उन्हें व्यापार कराने के लिए इंजेक्शन देते थे, इससे उनका शरीर सुन्न पड़ जाता था, वो विरोध करने के लायक तक नहीं रहती थी। दलालों की पत्नियां उन पर देह व्यापार के लिए दबाव बनाती थी। विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी के अनुसार पकड़ी गई दीपा जियाउल शेख की पत्नी है। जियाउल शेख बांग्लादेश में दलाल है, अकीजा विजय दत्त उर्फ मोमिनोल की गर्लफ्रेंड है। इंदौर का काम रजनी और नेहा संभालती थी। अकीजा और दीपा बांग्लादेश से लाई गई युवतियों पर देह व्यापार का दबाव बनाती थी। दोनों बड़े दलालों से टच में रहती थी। युवतियों से कहा करती थी अब वो भारत आ गई हैं, अगर वापस बांग्लादेश जाना है तो बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस वजह से गरीब परिवार की लड़कियां गलत काम के लिए तैयार हो जाती थी। दलाल विजय दत्त ने बताया कि एजेंट जब युवतियों को बांग्लादेश से भारत लेकर आ जाते हैं तो भारत में उनकी पत्नियां गर्लफ्रेंड उन्हें सभी तौर तरीके दवाएं से लेकर इंजेक्शन तक देते थे। युवतियों को जब दलाल बांग्लादेश से भारत लाते हैं तो यहां उन्हें दवाएं और ड्रग्स दी जाती थी। एक दिन में कई कस्टमर्स के आगे उन्हें भेजा जाता था। जब कोई लड़की ज्यादा शोर शराबा करती थी तो उसे इंजेक्शन देकर बेहोश भी कर दिया जाता था। देह व्यापार में लिप्त आरोपियों ने बताया कि जब वे बांग्लादेश से युवतियों को लाने वाले दलालों को जो रकम अदा करते थे उसे जल्द वसूलने के लिए युवतियों को नशा देकर एक दिन में कई ग्राहकों के पास भेजते थे। पैसा बनाने के बाद उन्हें दूसरे जिलों में बेच दिया करते थे। जिस इंजेक्शन को देकर लड़कियों की स्किन को सुन्न किया जाता था उसका इस्तेमाल आमतौर पर जेल या क्रीम के रूप में दर्द, जलन या खुजली से राहत पाने के लिए किया जाता है। दलाल इसका इस्तेमाल देह व्यापार के लिए करने लगे थे। साथ ही उन्हें कपड़े किस तरह से पहनना है, कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, सारे तरीके सिखाए जाते थे। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।